हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सूटिंग चैनल पर सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने ये थंबनेल दिखा होगा कि आप अगर चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आप सर्च करिए sirmai26, आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां पे मैसेज कर सकते हैं एंड मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो में ज्यादा कुछ ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि कल की जो ट्रेडिंग सेशन है वो इलेक्शन का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा रहेगा, तो मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रहेगा, कैसे रहेगा और थोड़ा बहुत स्टॉक के बारे में लास्ट में हम चीज को एनालिसिस करेंगे कल के ट्रेडिंग के, ठीक है। और पिछले इसके साथ में कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन इसलिए इसी वीडियो में करूंगा जो पर्सनली जो मुझे मेल किए हैं, 40 से ज्यादा मेल मुझे आए हैं जिनका जो लगभग मोस्टली जो क्वेरी है उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का जो ट्रेडिंग सेशन चल रहा है इसके बारे में मैंने वीडियो पे कुछ घंटे पहले मैंने अपलोड किया था, जिसके बहुत सारे क्वेरी आप मुझे मेल आए हैं। तो उसमें मोस्टली जो क्वेरी लोगों ने पूछा है कि सर आप कैसे स्टॉक के सिलेक्शन करते हैं। देखिए, स्टॉक सिलेक्शन करना डिफरेंट डिफरेंट वे है स्टॉक सिलेक्शन करने का। कुछ स्टॉक्स में साइडवेज स्टॉक से लेता हूँ जो मार्केट के दौरान मुझे मिलते हैं, जैसे ECC अगर आप देखें मुझे मार्केट के दौरान ही मिला है। तो वैसा स्टॉक तो आप प्रीवियस डे पे आपको नहीं आप दिला सकते हैं, वो साइडवेज होते हैं। जो स्टॉक इनिशियल आवर में पहले एक घंटा में साइडवेज रहते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 का स्टॉक है, 85 स्टॉक आपको सर्च करना है। 85 स्टॉक आपको चार पांच मिनट में आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्टॉक सिलेक्शन का। हाँ, अगर आप ब्रेकआउट स्टॉक पे ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट स्टॉक, अब अगर देखेंगे ब्रेकआउट स्टॉक पे मैंने जो ट्रेड किया था LNT पे, ठीक है, दो बार मैंने ट्रेड किया था, वो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी था। तो ब्रेकआउट स्टॉक आप पिछले दिन ही आप ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढने के लिए मतलब ऑल टाइम डे हाई के ऊपर काम कर रहा है, या मतलब कोई एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया हुआ है, वो एक ब्रेकआउट स्टॉक कहा जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो LNT में अगर आप देखेंगे तो LNT में अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने आज इसको रखा था ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि आप देखिए एक अच्छा खासा हाई के ऊपर ये काम कर रहा था। तो उधर टाइम वेस्टिंग में आपको ये भी बता देता हूँ कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहा, ये दो स्टॉक है मुझे जो अच्छा लगते हैं, अच्छा लग रहा है, इसके बारे में मैं आपको टेक्निकली आपको बता देता हूँ। ये जॉर्ज डाइल का स्टॉक है, ये भी एक ब्रेकआउट स्टॉक है। आप अगर देखेंगे तो ये ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी। तो इसमें मैं कल के लिए क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें जो मैं आपको 5 मिनट में बताता हूँ, देखिए, तो ये 5 मिनट का स्टॉक है। ये देखिए, ये पिछला दिन का चार्ट है, ठीक है, ये पिछला दिन का चार्ट है। ये पिछला दिन में एक नैरो रेंज में काम किया था, लास्ट 2 और 3 आवर आप अगर देखेंगे तो एक छोटा सा रेंज में काम किया है। ये हाई बीटा स्टॉक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कॉशन रहना पड़ेगा। अब जब भी ये स्टॉक ये रेंज को क्रॉस किया, देखिए ये यहाँ तक गया है, मतलब 230 से लेकर 47 तक गया है, 47 से भी ऊपर 4750 तक गया है। तो 20 रुपीज का मोमेंटअप जब भी मोमेंट करता है, ये बहुत ही जबरदस्त मोमेंटअप करता है, तो इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जॉर्ज डाइल को आप ट्रेड करिएगा, क्योंकि ये मोमेंटअप किसी भी डायरेक्शन में देता है। स्पेसिफिकली कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा, इलेक्शन का इफेक्ट रहेगा, निफ्टी शायद 200 300 400 500 पॉइंट भी आपको ऊपर नीचे वोलेटाइल देखने को मिले, तो इसीलिए थोड़ा पर्सन स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करिए, या हो सके तो आप प्लीज अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन रहा जॉर्ज डाइल का, इसके बाद ये 15 मिनट पे होने के बाद, ये 15 मिनट के बाद देखो एक रेगुलर पैटर्न जैसा एक बनाया है, मतलब छोटा सा नैरो रेंज में उसने ट्रेड करता रहा। तो कल के दिन अगर ये रेंज को ब्रेक करता है, ये तो रेंज को ब्रेक करता है, तो इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। अगर ये मोमेंटम अपसाइड हो, मतलब बाई के साइड हो, ऊपर की ओर मोमेंटम करे, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा रादर देन सेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टॉक है BEL का, BEL का अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं वन डे चार्ट में आपको दिखाता हूँ। देखिये BEL ऑलमोस्ट एक प्रॉपर रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि आप देखिए यहां से एक बार इसने नीचे की ओर गया है, इससे पहले भी यहाँ से बहुत बार इसने सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया है, फिर इसी से रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर गया है, फिर एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर रह गया है, और आज का दिन का जो क्लोजिंग उसी रेजिस्टेंस के लगभग ऊपर हुआ है। तो कल के दिन ट्रेडिंग के लिए इसको आप रख सकते हैं। अगर ये
आज का जो हाई बना है 102.25 उसके ऊपर अगर थोड़ा ट्रेड करने लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें ट्रेड और बाय पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऊपर ना जाके ऊपर हाई को क्रॉस ना करके आज का जो हाई है 102.25 उसमें सेलिंग साइड में आ सकता है या फिर वोलेटाइल भी रह सकता है, उसको आप छोड़ दीजिए। अगर आप आज का हाई को ऊपर क्रॉस करके थोड़ा प्राइस एक्शन के बेसिस पर हायर हाई फॉर्मेशन होता है तो इसमें आप ट्रेड ले सकते। तो ठीक है, ये दो स्टॉक था जो आप कल के दिन बेहतर यही होगा, कल का मार्केट वोलेटाइल रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा कंसर्न रहिएगा। इसके लिए मैं ये वीडियो शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैसेज कर सकते हैं, सन में 26 सर्च करिए, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मेंबर चैनल पे जुड़े। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉस।